टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना काल में ठाणे महानगर पालिका ने मुमरा के कालशेखर अस्पताल को कोविड-19 घोषित किया था और कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान कालशेखर अस्पताल पर कई आरोप भी लगे हैं। मुमरा, भिवंडी, पनवेल, तलोजा, कल्याण और भी ऐसे कई जगह से कोरोना के मरीज कालशेखर अस्पताल में इलाज करने के लिए आए। मुमरा की आइडियल फाउंडेशन ने कालशेखर अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ, वार्ड बॉय, वॉचमैन, ड्राइवर को और पूरे कालशेखर अस्पताल के स्टाफ को सत्कार किया और उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कालशेखर अस्पताल की CEO आफरीन सौदागर और संस्था के अध्यक्ष दाऊद चौगुले ने क्या कहा है, सुनिए। कालशेखर अस्पताल में कोविड पेशेंट के जो काम किया था ना, तो उनकी जो खिदमत थी, कुर्बानियाँ थी, जो इंसानियत के नाते उन्होंने दी थी ना, तो उसको सराहना, उनकी खिदमत का एतराफ करना जो है, तो हमारी एक ट्रस्ट है आइडियल फाउंडेशन कौसा मुमरा, उनकी तरफ से कालशेखर अस्पताल के तमाम डॉक्टर से लेके जो है टेक्नीशियंस है, फार्मासिस्ट है, वार्ड बॉय है, नर्सेस है ना, तमाम का जो हमने जो एतराफ़ किया उनकी खिदमत का, उनको अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट से हमने नवाजा भी, क्योंकि उनकी वो खिदमत असल है, समझो जो उन्होंने की करके जो किसने की, हालांकि बहुत सारी उनके खिलाफ़ भी बातें हुई सब कुछ अस्पताल के, लेकिन उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि जो ये काम अस्पताल ने किया वो कोई नहीं कर सकता। करें जो कोविड-19 वॉरियर्स हैं उनके लिए, उन्होंने उनकी सराहना करने के लिए और उनको अप्रिशिएट करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। उस सिलसिले में दाऊद भाई चौगले यहाँ पर आए थे, उनके साथ बाकी आइडियल के मेम्बर्स भी हैं, कमाल मांडलेकर साहब वगैरह। हम पूरी कालशेखर हॉस्पिटल और मैनेजमेंट की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारे स्टाफ के उन्होंने यहाँ के हौसला अफजाई। उस दौरान बहुत सारी आप लोगों पे तनकीद और इल्ज़ाम भी लगे, फिर भी आपके स्टाफ में से कोई ऐसा भागा नहीं, किसी ने हिम्मत नहीं हारी क्या? हमारा स्टाफ जो था पहले जब से शुरू हुआ था उस दिन से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ खड़े हैं। जो भी इल्ज़ाम लगे, जो प्रेशर था, उस प्रेशर के बावजूद भी हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट की देखभाल की। थोड़ी बहुत कमियां हो सकता है, खाना देने में देरी हुई होगी, सफाई में कुछ कमियां होगी, बट क्लिनिकल मैनेजमेंट जो हमारी क्लिनिकल टीम थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हर एक पेशेंट को अटेंड किया।